हर किसी से हम कहते हैं कि भाई आप जिस भी विषय से संबंधित हैं या जिस भी फील्ड से, प्राइमरी से जूनियर जिस समय, तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। एक टाइम था हाई स्कूल पर ही नौकरी मिल जाती थी, फिर हुआ कि इंटर पर नौकरी मिलने लगा, फिर समय के साथ आगे बढ़े तो हुआ कि नहीं ग्रेजुएशन वालों को नौकरी देने लगे, फिर आगे बढ़े तो नहीं अब भाई टीचर ट्रेनिंग जो किया होगा बीएड बीटीसी डीएलएड उसको देंगे, फिर आ गया टीईटी पास करना पड़ेगा, फिर आ गया कि सुपर टेट। तो समय के साथ बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, तो अपने आप को एक्टिव रखिए और अपडेट रहिए हमेशा, तैयार रहिए हमेशा, ताकि जो भी चीज़ें सामने आए उसको आप फेस कर सकिए। मौके तो मिलेंगे ही मिलेंगे, भर्ती तो होगी ही होगी, कभी जल्दी होगी कभी देर से होगी, वो अपनी जगह है, लेकिन जब मौका मिले तो हमारे तरफ से कोई कमी ना होने पाए, हम उसके लिए तैयार रहें पहले से, तो पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। तो उसके लिए तैयार रहिए। और प्राइमरी में हम बताते ही रहते हैं लगातार कि प्राइमरी में जो है 2011 से 2018 तक जितने भी टेट पास हैं उनको प्रथम चरण में करीब 3 लाख के आसपास लेने की योजना है। एक हमारे भाई हैं श्रवण यादव, वो भी अनुदेशक हैं शारीरिक शिक्षा से सर, बीपीएड वाले हैं। जी बीपीएड वाले हैं, तो क्या उनको भी लाभ मिलेगा सर कि जैसे टेट पास नहीं है तो? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, 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 हाँ कौन? वरुण बोल रहे हैं आजमगढ़ से। हाँ जी सर, हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर, वरुण बोल रहे हैं, अनुदेशक हैं हम सर, और डीजेड टेट पास भी हैं जूनियर प्राइमरी दोनों। तो ठीक है। सर यही समझना था कि क्या अगर हम अनुदेशक भी हैं तो क्या जूनियर में अगर टेट पास हैं तो क्या इसमें वैकेंसी आएगी सर? बीएड कब किए हैं आप 2009 में सर किए और टेट कब कब कौन कौन सा हैं, 2016 में भी है, 18 में, 19 में। कब? 16 में जूनियर टेट हमारा है 16 में जूनियर, ओके और 18 में प्राइमरी है और 19 में प्राइमरी है। ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है सर? चलिए, रिपीट हो रही है आवाज़। सर नेटवर्क कुछ दिक्कत है जी? हाँ जो भी है, अभी सही आ रहा था फिर गड़बड़ हुआ था, अभी सही हो गया है फिर से। अच्छा, ठीक सर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में तो आप सुने ही होंगे। जी, हाँ, उसको लागू हुए 3 साल हो गया है, उसमें जो कुछ भी लिखा है प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, कि अब आगे का क्या क्या कैसे कैसे होगा, किस तरह की शिक्षा होगी, किस तरह के विद्यालय कॉलेज होंगे, तो हर चीज़ का उसमें जिक्र किया गया है। और उसी तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है, जो चीज़ों में बदलाव करना है, जिन चीज़ों में बदलाव कर रही है, जिनका निर्माण करना है निर्माण कर रही है। देख रहे हैं आप, अटल आवासीय शुरू हो गया है, और कस्तूरबा जो पहले 8 तक हुआ करता था अभी 12 तक हो गया है। आंगनबाड़ी जो था उसको बाल वाटिका बना दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से पढ़ाई होती थी, वहाँ भी बाल वाटिका शुरू हो गया है। तो बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, ऐसे ही हायर एजुकेशन में भी बदलाव हुआ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, चाहे वो किसी भी लेवल की शिक्षा है, चाहे स्कूल हैं या कॉलेज हैं या डिग्री कॉलेज जो भी हैं, सब में जितने भी पद हैं उन सबको जो है भरना है। और अभी तक आप देखेंगे तो कहीं पर जो है शिक्षा मित्र हैं, कहीं अनुदेशक हैं, तो कहीं पैरा शिक्षक हैं, तो कहीं वित्त विहीन हैं, अतिथि शिक्षक हैं, इस तरह की संविदा वाली योजनाएं हैं ना। तो कहीं पर जो है एक सत्र के लिए लिया जाता है, फिर दूसरे सत्र में जो है फिर से इंटरव्यू वगैरह होता है, कहीं कहीं पर उन्हीं को रिन्यूअल कर दिया जाता है, इस तरह की योजनाएं चल रही थी। हम लोगों में ये प्रोसेस है रिन्यूअल का सर जी, 11 महीने बाद रिन्यूअल हाँ, वो करवाना था रिन्यूअल सर कर दे रहे थे। तो जी। रिन्यूअल हो जाने से होता है सेम कैंडिडेट आ गया, और नया प्रोसेस होने से ये होता है कि जो पुराने हैं वो भी शामिल होंगे, नए लोग भी शामिल होंगे, जिसका सिलेक्शन होगा उसको रख लिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब में यही प्रोसेस है। तो ये जो रिन्यूअल वाला प्रोसेस है, ये एक तरह का कहीं नियम है नहीं,
जी नियम अनुसार जो है 2 सत्र से ज्यादा किसी को भी रिन्यूअल नहीं करना है। जी केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में आप देखेंगे इसी तरह से होता है वहाँ। जी लेकिन कुछ जगहों पर जैसे शिक्षा मित्र योजना है, अनुदेशक योजना है, डिग्री कॉलेज वगैरह में भी बहुत जगहों पर देखेंगे कि रिन्यूअल होता जा रहा है, कई वर्षों से लोग लगे हुए हैं। जी तो संविदा कभी भी परमानेंट होगा नहीं, और संविदा जो होता है वो नियमानुसार 2 सत्र के लिए ही मैक्सिमम किसी एक व्यक्ति को लगातार मौका जी दिया जा सकता है। लेकिन पुरानी जो भी नीतियां रही हैं उसमें लोग करते चले गए। खैर, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है जी कि अब जो है ये जितनी भी योजनाएं हैं संविदा वाली, चाहे जिस भी नाम से हैं, जी उन सभी योजनाओं को खत्म करना है। यानी कि जहाँ कहीं भी टीचर के पद खाली हैं सब भरना है परमानेंट। जी तो उसकी शुरुआत गवर्नमेंट कर रही है। अभी फोकस इनका है प्राइमरी पर, खास तौर पे, जी और प्री प्राइमरी पर। जी तो प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, प्री प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, जूनियर की भी भर्ती आएगी, टीजीटी, पीएचडी, डिग्री वाले सब। अभी 3 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग है और 17-18 जून को सभी राज्यों के शिक्षा सचिव का मीटिंग हुआ था पुणे में। सारे जी सारे रिपोर्ट मांगे गए थे। अब 3 अगस्त को उस पर समीक्षा होगी। जी तो 3 अगस्त के बाद जो है करीब 15 दिन हो सकता है, या 1 महीना हो सकता है, 1.5 महीना हो सकता जी है, अभी एक लिस्ट जारी करेंगे कि पूरे भारत में किस राज्य में कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं, जी टीजीटी कितने हैं खाली, पीजीटी के कितने खाली हैं, प्रोफेसर के कितने खाली हैं, प्राइमरी में, जूनियर में, सब जारी करेंगे लिस्ट। जी उसके बाद जो है उनको भरने की योजना शुरुआत करेंगे तेजी से। अभी केंद्र सरकार के हाथ में केंद्रीय विद्यालय है, एकलव्य जी विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, तो वहाँ जी पर वो भर रहे थे क्योंकि वो उनके हाथ में है। और जी जो राज्य सरकारें जो चला रही हैं उनके अंडर में जो चल रहे हैं, तो उनको भरवाने का काम राज्यों से करना है। तो अभी रिपोर्ट मांगा गया है राज्यों से, जी तो वही रिपोर्ट अब 3 अगस्त को रखा जाएगा सामने। उस पर समीक्षा बैठक होगी, कितने जी काम हो चुके हैं, कितने काम बाकी हैं, कहाँ कितने पद खाली हैं, सारा रिपोर्ट उस दिन रखा जाएगा। फिर उसके बाद 15 दिन, 1 महीना, जब भी पूरा देखिएगा अखबारों में और हर जगह डाटा से जो है जारी किया जाएगा कहाँ कहाँ कितने खाली हैं। जी उसके बाद केंद्र सरकार जब घोषणा कर देगी, सारा लिस्ट जारी कर देगी, फिर राज्यों को भरना होगा। और राज्यों को भरने की तैयारी करने के लिए करीब 1-2 महीने पहले न्यूज भी आया था, निर्देश दिया गया था। जी तो जूनियर की भी भर्ती आएगी, प्राइमरी की जी भी, प्री प्राइमरी की भी, टीजीटी की भी, पीएचडी की भी। और 2023-24 ये जो सत्र है, और अगला जो 24-25 सत्र है, जी इन्हीं दोनों सत्र में सारे पद भरने हैं। तो ये जो सत्र हैं इसमें सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। इसके बाद जैसे छोटी छोटी भर्तियां आती हैं वो आती रहेंगी जो खाली होंगे। तो जी आप प्राइमरी टेट भी पास हैं, जूनियर टेट भी पास हैं, बीएड किए हैं, तो आप प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हैं, जूनियर के लिए भी। और आप अनुदेशक हैं, तो जी अनुदेशक हैं तो आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं उसका अनुभव होगा आपके पास, इतने जी साल काम किए हैं तो अनुभव का लाभ मिलेगा। जैसे एमपी में देख लीजिए, वहाँ पर जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनको घोषणा हुई है कि जी 5 वर्ष या उससे ज़्यादा जो लोग जो है सेवा दे चुके हैं जी उनके लिए 50% सीट आरक्षित रहेगी। जी मतलब अगर भर्ती 100 आ रही है तो 50 सीटें उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे और अन्य 50 पर बाकी लोग फाइट करेंगे। जी तो अपनी तैयारी रखिए, चाहे वो जी सीट आरक्षित कर दें या अंक में वेटेज दे दें कि 10 नंबर वेटेज देंगे, 20 नंबर देंगे, जितना भी, तो अनुभव का वेटेज लाभ मिल जाएगा। हो सकता है कि उम्र वगैरह में छूट दे दें। कुल मिलाकर के जूनियर के लिए तो छूट देंगे, और एग्जाम जी देना ही पड़ेगा या भर्ती जिस भी रूप में आएगी उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना होगा। जी हो सकता है एमपी में जैसे 50% सीट रिजर्व कर दिए, यहाँ भी रिजर्व जी कर दें, वहाँ भी तो यही बीजेपी गवर्नमेंट है, जी यहाँ भी कर सकते हैं। जी जी उत्तराखंड में बीजेपी है, वहाँ पर शिक्षा मित्रों को तो खाली टेट जो पास करते गए उनको परमानेंट करते गए। तो अभी हो सकता है कि जब ये सारे रिपोर्ट आ जाए, यहाँ पर भी जो है वही उत्तराखंड वाला चीज सुनने में आ रहा है, यूपी में भी हो जाएगा, सारी शिक्षा में जो टेट पास है उनको परमानेंट कर देंगे। जी तो जब तक डिक्लेयर नहीं होता है, पूरी तरह से ओपन होकर सामने नहीं आता है, तब जी तक जो है सारी चीज़ें 100% नहीं बताई जा सकती हैं कि क्या एग्जैक्टली कैसे होना है। हाँ ये है कि आप अनुभवी हैं, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, कितने साल हो गए,
अरे लगभग सर 10 साल हो गए। 10 साल, तो इतने साल का जो अनुभव है उसका लाभ मिलेगा। तरह तरह के छूट, या तो आरक्षण मिल जाए, या वेटेज मिल जाए, उम्र में छूट मिल जाए, या हो सकता है हर तरह का लाभ दे दें, लेकिन लाभ मिलेगा जरूर। ये लाभ प्राइमरी में मिलेगा सर, जूनियर में मिलेगा? जिस लेवल पर आपने ये अनुभव लिया है, जिस लेवल पर आप पढ़ाए, उस लेवल पर उसका लाभ मिलेगा। हाँ, कभी कभी होता है कि जैसे प्राइमरी टीचर हैं, उनको जूनियर भर्ती में जो है छूट दे रहे हैं, तो मेनली तो जिस लेवल पर आपने पढ़ाया है उस लेवल का अनुभव है, तो उसमें छूट। और भी हो सकता है किसी में दे दें, वो तो आने पर पता चलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लाभ तो मिलेगा, लेकिन जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब आप तो देख रहे हैं कि सुपर टेट एग्जाम होने लगा है। मान लीजिए जैसे एडेड जूनियर भर्ती आई थी, उसमें एग्जाम हुआ था। मान लीजिए कि जूनियर की भर्ती आती है, उसमें एग्जाम होता है, आपको वेटेज दे दिया गया आप लोगों को, या उम्र में भी छूट दे दिया गया, दोनों दे दिया गया, तो अन्य लोगों की तुलना में आपको वेटेज का लाभ मिल जाएगा। आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट पर पकड़ होगी आपकी, उसके वजह से आपका पेपर अच्छा होगा, तो इस तरह से आप जो है, आप लोगों के परमानेंट होने के चांसेस कई गुना बढ़ गए। अब जो बाहर बैठा व्यक्ति है, भर्ती का इंतजार कर रहा है, उसको वेटेज तो मिलने वाला नहीं है, उसको इतने सालों का अनुभव नहीं है, अगर वो कहीं नहीं पढ़ा रहा है प्राइवेट में, तो सब्जेक्ट पर पकड़ कितनी होगी, जितनी तैयारी किया होगा। आप लोग जो है सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, दिन रात वही किताबें पढ़ा रहे हैं, कई सालों से, 10 साल से, तो सब्जेक्ट पर पकड़ तो हो ही गया है। तो उसके लिए तैयार है। और प्राइमरी में हम बताते ही रहते हैं लगातार कि प्राइमरी में जो है 2011 से 2018 तक जितने भी टेट पास हैं, उनको प्रथम चरण में करीब 3 लाख के आसपास लेने की योजना है। तो आप बीएड हैं, प्राइमरी टेट 2018 वाला पास हैं, तो उसमें भी आपके चांसेस रहेंगे। तो कुल मिलाकर के पढ़ाई करते रहिए, तैयारी रखिए, और 1-2 महीने के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। तो जिसमें जहाँ भी मौका मिलेगा, दोनों में अगर मिलेगा तो दोनों भर दीजिएगा, जिसमें लेना होगा उसमें ले लीजिएगा। एक हमारे भाई हैं श्रवण यादव, वो भी अनुदेशक हैं शारीरिक शिक्षा से सर, बीपीएड वाले हैं। जी बीपीएड वाले हैं, तो क्या उनको भी लाभ मिलेगा सर, कि जैसे टेट पास नहीं है तो? देखिए, हर शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग नियम हैं। अब वो बीपीएड हैं, बीपीएड वालों के लिए अभी तक कोई भी टेट देने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। कंप्यूटर शिक्षक जो रखे जाते हैं, तो कंप्यूटर शिक्षक में पीजीडीसीए या एमसीए वाले रखे जाते हैं, उनके लिए बीएड वीएड इस तरह की ट्रेनिंग नहीं बनी थी। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में जितने कंप्यूटर टीचर रखे जाते थे, पीजीटी, तो पीजीटी के पद पर थे, उसके बावजूद जो है बीएड वगैरह उनके लिए नहीं था, या टीजीटी भी कहीं पर रखे जा रहे थे कंप्यूटर से संबंधित, तो उनके लिए बीएड वगैरह कंपलसरी नहीं था। लेकिन टीचिंग फील्ड में धीरे धीरे अब जो है टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य करते जा रहे हैं, तो अभी जो है कुछ भर्तियां निकली हैं, वहां पर बीएड कंप्यूटर वालों के लिए अनिवार्य कर दिए। तो आने वाले समय में हो सकता है कोई नई चीज आ जाए सामने, कुछ नए नियम बन जाए, लेकिन अभी वर्तमान में बीपीएड वालों के लिए, खेल शिक्षक के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई भी इस तरह की बाध्यता नहीं है, टीईटी वगैरह, तो वो निश्चिंत रहें, अभी है ही नहीं। और कोई भी नियम बनता है तो वो जब बनेगा, जिस दिन से, जिस तारीख से, उस तारीख से लागू होगा। और यूपी के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों में बात करें, राज्य के, तो उसमें फिजिकल एजुकेशन की भर्ती ज़्यादा हुई नहीं है, कभी बड़ी भर्ती कोई आई नहीं, कभी सारे ही पद लगभग खाली हैं, ऐसे ही अनुदेशक वगैरह इस तरह से संविदा पर रख करके काम चल रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारे पद भरने हैं, और खेल शिक्षा, योगा, ये सब अनिवार्य करने की बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अनिवार्य रूप से ये भी शिक्षा देना है। तो इनकी भी बड़ी भर्ती आएगी, पहली भर्ती 50,000, 1 लाख जो भी है इस तरह से आएगी। तो अपने सब्जेक्ट पर पकड़ रखें, अनुभव है ही, अनुभव का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, हर किसी को अनुभव का लाभ मिलेगा, जो भी किसी भी सरकारी संस्थान में कहीं भी पढ़ाया हो, उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो उनको भी बता दीजिएगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें, 2-4 महीने और इंतजार करें, जैसे ही ये 3 अगस्त को मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके महीने, 2 महीने, 3 महीने में सारी चीज़ें सामने आने लगेंगी। सारे पद भरवाने हैं, योगा के भी भरवाने हैं, खेल शिक्षक के भी भरवाने हैं, सब भरवाने हैं, तो
तो उन लोगों को भी लिया जाएगा। जी और बताइए कहीं कोई जानकारी? बस सर, नहीं यही जानकारी, बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे सर, नंबर लगा नहीं, आज पहली बार लग गया नंबर आपका। चलिए ठीक है। और जी ये सारी जानकारी जो भी हम बताते हैं, जी ये आप जान रहे हैं शिक्षा विभाग में जो है तरह तरह के, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आरटी एक्ट है, जी जी एनसीटी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, इन सबको आप एक बार पढ़ जाइए, आपको भी ये सारी जानकारी हो जाएगी। और गवर्नमेंट जो अखबारों में न्यूज़ देती है, कोई योजना की घोषणा करती है, तो वो सब समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है आगे। जी उदाहरण में हम जैसे कह दें कि मान लीजिए कि आपके किसी पड़ोसी के घर जो है जी निमंत्रण आया आपको कि विवाह है, तो जी अब वो आपको तो सिर्फ कार्ड दे करके गया या आपको जानकारी दे कर गया कि फला तारीख को आपको आना है, लेकिन आप उतने से अंदाजा लगा लेंगे ना कि उस दिन वहाँ क्या क्या होने वाला है। तो जी जी कैसे आपने अंदाजा लगा लिया? क्योंकि आपने पहले वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखी हैं, जी तो आप वो जानकारी है कि इस प्रोग्राम में क्या क्या होता है। जी ऐसे ही गवर्नमेंट जो योजनाएं लेकर आती है, आपने पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजनाएं, पढ़े होंगे, बहुत जी सारी पढ़े पंचवर्षीय सर, योजनाएं जी पढ़े जी होंगे। जी 5 वर्षीय पढ़े योजनाएं बनाई जाती हैं कि इन 5 वर्षों में जो है इस फील्ड में इस ये कार्य होने हैं। आपने जी पढ़ा होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जी पढ़े तो हैं। वैसे ही ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसको भी लागू किया गया, उसमें भी रखे गए हैं समय, कोई कुछ कार्यक्रम 2 वर्षीय रखे गए हैं, कुछ कार्यक्रम 5 वर्षीय रखे गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं उसके अंदर जो कि 10 साल 20 साल लग जाएगा। अभी 29 जुलाई को 3 वर्ष जब पूरा हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो कार्यक्रम हो रहा था, तो आप भाषण सुनेंगे, यूट्यूब पर हमने डाला भी है, तो उसमें बात वो कर रहे हैं मोदी जी कि 2047 तक भारत को विकसित देश बना देना है। तो उनके पास एक विजन है कि 2047 तक हमें ये काम करना है, उन्होंने प्लान किया है। तो अब उसको पूरा करने के लिए कोई कमेटी बनी होगी, कोई कुछ लोगों को उसमें जिम्मेदारियां दी गई होंगी, वो प्लान किए होंगे क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो अब 25 साल का प्लान वो तैयार करके चल रहे होंगे, तो आने वाले 25 सालों में वो सारे काम उनको पूरे करने हैं। तो 25 साल में बहुत कुछ होना है, अभी होते वो नहीं दिखेगा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि 25 साल उसमें लगने वाले हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा काम जी होगा उसमें, कुछ यूपी में होगा, कुछ यूपी के अन्य राज्यों बाहर होगा, अन्य राज्यों में। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो काम 25 साल में होगा, लेकिन जब 25 साल बाद आप देखेंगे तो बहुत कुछ हो चुका होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पढ़िए, आरटी एक्ट को पढ़िए। फिर से गड़बड़ हो गया आपका मोबाइल, हाँ फिर से। नेटवर्क प्रॉब्लम है जी जो भी है, आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, जी रिपीट होने लग रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, गवर्नमेंट ने सब जो है घोषणा कर रखा है कि आने वाले वर्षों में हम क्या क्या करने वाले हैं, और जी आए दिन कहीं ना कहीं मंच से बोलते हैं, कभी ना कभी घोषणा करते हैं कि ये चीज़ होने जा रहा है, या ये चीज़ इतने समय में राज्यों को करना है, अखबारों में न्यूज आता रहता है। तो पढ़ जी लीजिए, सब उसी में लिखा हुआ है, और हम लगातार कई बार शेयर भी किए हैं व्हाट्सएप पर, मिला भी होगा अगर जी जी हो मिला, हम आपकी ऑडियो अक्सर सुनते रहते हैं सर, बड़ा अच्छा लगता है नहीं। सुन। व्हाट्सएप ग्रुप में है कि नहीं? नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है सर। तो जिस नंबर पर आपने कॉल किया है इसी नंबर से जी व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, मैसेज कर दीजिए, ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है तो सर। वो ऑडियो जो सुनते हैं आप, तो वो जिस आधार पर हम लोगों से जो भी बातें कह रहे हैं बता रहे हैं, वो आधार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आरटी एक्ट है, और अन्य सारी चीज़ें, कुछ कोर्ट ऑर्डर भी हैं। तो वो सारे पीडीएफ फाइल जो है वो व्हाट्सएप पे हम शेयर करते रहते हैं, जब जब जो न्यूज़ आते हैं न्यूज़ शेयर करते रहते हैं, तो वो भी मिलने लगेगा आपको। जी तो अभी फ़ोन रखिएगा तो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। ठीक है सर। ठीक है, और कहीं कुछ डाउट? नहीं सर और कोई डाउट नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके पहली बार। हाँ, तो बस एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आप जो गवर्नमेंट को करना है वो तो गवर्नमेंट ही करेगी, चाहे किसी काम में 1 महीना लगे, चाहे किसी काम में 1 साल लगे, जी चाहे ज़्यादा समय लगे। हर जी किसी से हम कहते हैं कि भाई आप जिस भी विषय से संबंधित हैं, या जिस भी फील्ड से, प्राइमरी से, जूनियर, जिस समय, तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। एक जी टाइम था हाई स्कूल पर ही नौकरी मिल जाती थी, फिर हुआ कि इंटर पर नौकरी मिलने लगा, फिर समय के साथ आगे बढ़े तो हुआ कि नहीं ग्रेजुएशन वालों को नौकरी देने लगे, फिर
फिर आगे बढ़े तो नहीं, अब भाई टीचर ट्रेनिंग जो किया होगा बीएड बीटीसी डीएलएड उसको देंगे, जी फिर आगे आगे टीईटी पास करना पड़ेगा, फिर आगे आगे जी सुपर टेट। तो समय के साथ बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, तो जी अपने आप को एक्टिव रखिए और अपडेट रहिए हमेशा, तैयार रहिए हमेशा, ताकि जो भी चीज़ें सामने आए उसको आप फेस कर सकिए। मौके जी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, भर्ती तो होगी ही होगी, कभी जल्दी होगी कभी देर से होगी, वो अपनी जगह है, लेकिन जब मौका मिले तो हमारे तरफ से कोई कमी ना होने पाए, जी हम उसके लिए तैयार रहें पहले से। तो पढ़ाई पर फोकस करते रहिए, पढ़ाई जी हमेशा जारी रखेंगे, सब्जेक्ट तैयार रहेगा, तो जो भी जी मौका आएगा सामने तो फिर उस मौके से चूकेंगे नहीं आप, ठीक ठीक है? तो पढ़ाई जारी रखिए, है सर, ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार।